तो आ गया। कैसे हो भाई साहब? भोकाल मच जाएगा, मतलब कयामत आ जाएगी जिस दिन ये लॉन्च हो जाएगा। लोग किडनी पिटनी तो छोड़ो, जाने क्या क्या बेच देंगे अपना इसको खरीदने के लिए। वाकई अब तक हमने जो गैजेट्स की दुनिया में स्मार्टफोन या कंप्यूटर अपने पीक पे पहुंच गए थे मेरे अकॉर्डिंग, और बस कैमरे टेढ़े कर दो, मेढ़े कर दो, ऐसे कर दो, छोटे कर दो, घुसा दो, खड़ा कर दो, यही हो रहा था और तो कुछ नया आ नहीं रहा था। लेकिन ये एक बड़ा चेंज है, ये एक रियलिटी हैंडसेट है एप्पल ने जो लॉन्च किया है। ये इंडिपेंडेंट है, सबसे बड़ी बात है। इंडिपेंडेंट मतलब इसको फोन से कनेक्ट नहीं करना है, इसको कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं करना, बस यूं ही अपने आप में एक कंप्यूटर है। AR और VR मतलब नॉर्मल स्पेस में जो भी आपका घर का स्पेस है उसमें आइकन्स, मूवी या जो भी आपका वर्क है उसे देख पाना, जैसे ब्लैक मिरर वगैरह जो सीरीज आई है उसमें ऐसा होता है, तो ये यथार्थ हो रहा है। एक नॉर्मल दुनिया में आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को देखोगे, आई ट्रैकिंग से उसको मूव करोगे, कॉल करोगे, आप अपने हाथों की मूवमेंट से ट्रैक को चेंज कर रहे हो, इट्स अ बिगेस्ट थिंग। मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद आया। आई एम नॉट एप्पल फैन, पर ये जैसा दिखाया जा रहा है, जैसा बताया जा रहा है, या जैसा भी लोग एक्सपीरियंस करके बता रहे हैं, इस हिसाब से गजब है। हम थक गए थे फोन के कैमरे के अपग्रेड को देख के, स्क्रीन को बड़ा छोटा, उड़ गए कैमरे, बस यही दिखा रहे थे। तो यहाँ पर ये जो रियलिटी हेडसेट है, अगर देखा जाए तो मे बी समय के साथ ये और छोटा होगा, ऐसे जैसे स्पेस में लोग पहनते उसी तरह का लग रहा है। इसमें बहुत सारे कैमरे हैं, सेंसर हैं, जो आपके हाथों की मूवमेंट, आई ट्रैकिंग, जो एरिया है उस सब को ट्रैक करके आपको एक बेस्ट एक्सपीरियंस देते हैं। ये अभी कहीं लॉन्च नहीं हुआ है। WWDC 2023 में कुछ टेक इन्फ्लुएंसर या जो पॉपुलर टेक वाले हैं उनको आधे घंटे के लिए सूंघने को दिया था कि देख लो, समझ लो, फिर बताया वीडियो पे, तो उनके एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छे और बहुत डिफरेंट आए हैं। तो मैं भी इसको लेके बहुत खुश हूँ। इसकी कीमत कुछ $3500 मतलब कि 3 लाख रुपए के आसपास है। मैं कमेंट देख रहा था लोगों के, लोग भी इसे बहुत प्यार दे रहे हैं। एप्पल अब तक जो भी करता आ रहा था लूट मार लग रही थी, लेकिन ये बहुत बड़ा कदम है जिससे एप्पल कंपनी वापस आएगी। और सबसे बड़ी बात, सैमसंग और ये शाओमी वाले जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ लॉन्च करेंगे इसके जैसा ही, बल्कि मुझे लग रहा है सैमसंग मुंह दे के रो रहा होगा, तकिया में क्या लॉन्च कर दिया, एप्पल फिर आ गया, कब से बेचारा मेहनत कर रहा था। लेकिन एप्पल का ये बड़ा इनोवेशन, बड़ा गैजेट, ये सबको पसंद आएगा और इसने एक बड़ा स्टेप भी लिया है। तो देखते हैं ये कैसे लॉन्च होता है। विजन प्रो दिया है, विजन भी लॉन्च होना चाहिए, और अभी शाओमी, सैमसंग छोटे मोटे भी आपको ये लॉन्च करके दे देंगी। बट मेरा आपको ओपिनियन है कि इससे पहले कुछ भी लॉन्च हो रहा हो, पहले से लॉन्च हो जाने दो, आने दो इसके ओपिनियन। और थैंक यू एप्पल के लिए कि जो तुम हो वो तुम अब कर रहे हो। तो ये जो एप्पल ने किया है इसके लिए दिल से तुम्हें प्रशंसा है, और जो तुम अब तक करता है अपने आईफोन के साथ उसके लिए है अथ।